इन ड्राइवर से कमाए वो कितने कमाए 6,050 रुपए। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी राइड कंप्लीट हो गई। सोलो 3-4 लोकेशन है भाई, बिल तो स्मार्ट बन रहा है, 1900 रुपए का बिल बन रहा है, लेकिन 3-4 लोकेशन है। क्लाइंट ऐसी ना हो लिया। मैंने अभी आपको देखा जा रहा था, मैंने गाड़ी कहीं देखी, बाइक को कहीं देखा हुआ, फौरन से मैंने जा रहा था, बोला गया वापिस आया। हाय यार अल्लाह लव यू हो गया भाई, इस तरह मौत है। अरे माशाल्लाह। अच्छा काम के बारे में थोड़ा बताएं, लोगों का तजुर्बा कैसा रहा छोटी गाड़ी में? छोटी गाड़ी में अच्छा है काम, सही है। एलपीजी पे फायदा है भाई, पेट्रोल पे नहीं। माशाल्लाह ये बता एलपीजी कितनी एवरेज है, सही सही बताना। 20 दे रही है माशाल्लाह से। अच्छा अभी कब से पुलिस वाले तंग करते हैं ये बात? सुबह तकरीबन 10 बजे से निकला हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे तकरीबन। तो कितने की अर्निंग टोटल? अभी अर्निंग हुई है मेरी 2500 की हुई है। ये देख रहे हो भाई माशाल्लाह, ये पैसे कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आप भी कमा सकते हो, ठीक है। कैसे कमाना है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं रेगुलर करीब ऊबर इन ड्राइवर के ऊपर वीडियोस बना रहा होता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा होता हूँ कि मैं कैसे कमाता हूँ, आप कैसे कमा सकते हो, कौन सी राइड उठानी है, कौन सी राइड छोड़नी है। भाई अगर किसी को पैसों की ज़रूरत हो तो बिला मतलब बिना शर्माए बिना घबराए मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसकी दिल खोल के हेल्प करूँगा। पैसे जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे पैसे उसको भिजवा दूँगा, टेंशन नहीं है। मेरे गरीब दोस्त जितने भी हो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। ये जो आप पैसे देख रहे हो ये पैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पैसे किसी काम के भी नहीं है। इससे ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो लेकिन ख़ुद मेहनत करके। ये पैसे मेरे बाप ने दिए, बोला है बिजली का बिल भरो, बाकी घर राशन डालना है, अगर इसमें से मैंने कुछ भी उठाए ना मेरा पापा मुझे बहुत मारेगा, ये पैसे तो मेरे नहीं हैं। तो आओ चलो हम डिवाइस ऑनलाइन करते हैं, अपनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। आ जाओ कैप्टन, आ जाओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल अवाल, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक मजे में? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाश्ता माश्ता खाना वाना फोड़ दिया होगा? तो भाई सीन ये है कि आपका भाई आपको सलाम कहता है, दूसरी बात ये कि मैं फर्स्ट राइड आ चुकी हूँ। मैं सुबह तकरीबन 11 बजे 10 बजे का ऑनलाइन बैठा हूँ, अभी 12:15 होने वाले और जाके मेरे पास पहली राइड आई है। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ पहली राइड क्या है, क्या सीन बना है, कितने का बिल बना है। टुडे इज वेडनेसडे, इसी खुशी में तुम अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो भाई को, ताकि मैं जल्दी से वायरल हो जाऊँ। फिर हम जो है ना फिर क्या, फिर भी करीम ही चला रहे होंगे क्या यार, जिंदगी है यार, जिंदगी झंड हो गई है यार। चलो इस गम को रखते हैं साइड पे, काम को रखते हैं आगे, आउट चले पहली राइड पिक करने। सीन है कुछ ऐसे, फर्स्ट राइड हमारे पास आ चुकी है, पिकअप लोकेशन हमसे अभी भी 3.6 किलोमीटर दूर है। फर्स्ट राइड का सीन है, पहली राइड आज हमारे पास आई है इन ड्राइव के ऊपर से, और इन ड्राइव कंफर्ट की राइड है, और ये पेमेंट जो होगी इजी पैसा के थ्रू होगी, और मुझे इजी पैसा अकाउंट में पैसे भेजेंगे। तो इनको नॉर्थ अरबा से उठा के लकी वन छोड़ना है, बिल बनना है 1400 रुपये का। तो आज की ये पहली राइड है और टाइम जो बज रहा है अभी आपके सामने 11:36 हो रहे हैं भाई। पहुंच गया हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर लकी वन मॉल। गरीबो आयो कभी इधर, मैं भी गरीब हूँ यार, हम सब गरीब हैं भाई। तो सीन ये है पे राइड कंप्लीट और कैश कलेक्शन कुछ नहीं हुई, 1400 अकाउंट के अंदर। यकीन मानो वल्ले ही चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा लकी वन मॉल खरीद सकता हूँ, 1 मिनट के अंदर, समझ रहे हो। एक मसला है यार, पैसे नहीं है ना यार, मसला ये हुआ है। चलो यार दूसरी राइड के इंतजार में खड़े हुए हैं, ऑफ फॉर द बेस्ट के दूसरी राइड आ जाए फटाफट, हमारे काम को खींचे आज। वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, 12 बज रहे हैं अभी और हमने सिर्फ एक राइड की है 1400 वाली। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, और से मेरा मतलब वो मुमारी हो गई थी क्योंकि उनके पास 3 औरतें थी, 4 बच्चे थे। अब तुम देखो उनका दिमाग देखो और उनकी जो है ना तुम सोच देखो यार। तभी तुम कैप्टनों को बोलता हूँ मत जाया करो राइड लेके जो 4 बंदों से ऊपर हो, बाद तुम्हारे नुकसान है, जलील तुमने होना है। भाई 7 बंदे बिठा कर गया, सिर्फ एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ दें, क्या लिखा है द ड्राइवर चार्ज 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। 100 रुपये याद आ गए उनको, ये याद दिया है कि हमने जो मतलब रूल्स होते हैं पॉलिसीज़ थी कि 4 बंदे की पॉलिसीज उन्होंने खुद तोड़ी हैं, 7-8 बंदे बिठाए हैं, मैंने 100 रुपीज़ मांगे और क्या लिखा हुआ मिस बेविंग रियली रेडिकुलस और यू। अब तुम देखो, तभी मना करता हूँ भाई बाद में भी तुम्हारे नुकसान है, कैप्टन हो लालच मत किया करो, दफ़ा किया करो ऐसे कस्टमर, वहीं खड़े हो गए उनको जलील करो वहीं पर लोकेशन पर, राइड कैंसिल कर चले जाओ, बोलो आप दूसरी गाड़ी बुक करा लें, थैंक यू सो मच मैडम। राइड कैंसिल करोगे तो रेटिंग उनके पास नहीं जाएगी। अगर राइड एंड करोगे ना, राइड एंड करने के बाद उनके पास रेटिंग जाती है भाई, रेटिंग ये देखो ये रेटिंग चलेगी। अब उन्होंने एक कर दिया, अभी मुझे आज सुबह जिस बंद इसकी मैंने क्लाइंट की जो ये वाली राइड मैंने फर्स्ट राइड उठाई ना ये वाली, मुझे कह रहा है बॉस वो आपकी रेटिंग तो मुझे बहुत लो आ रही है, लोग कंप्लेंस कर रहे हैं
क्या मसला है, मैं राइड कैंसिल कर दूं? मैंने बोला सर नहीं, नॉन एसी की राइड होती है, 8-8 बंदे बिठाते हैं, आप बताएं हम क्या करें, बड़ी मुश्किल संभाला। अब आप ये सोचो उन बंदों जो राइड बुक करे उनको सभी रेटिंग जा रही है, कितनी अच्छी रेटिंग है, देखो 5-स्टार रेटिंग, 5-स्टार, 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 इस एक ने जब भंड मारा, देख रहे हो मेरी सारी रेटिंग की माँ बहने कर दी। चलो भाई अब जाके राइड आइए यार, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बजने में, 8 मिनट कम है, मिन्नते मुरादे तरले कर गए, याल्ला राइड दो, याल्ला राइड दो। तो फाइनली शहीदों में नाम लिखवाया है आज हमारी करीम ने, काफी अर्स से बात, पता नहीं 10-15 दिन बाद आज करीम पे मेरे पास राइड आई है, ग्रुप प्रीमियम कैश की राइड है। आई मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से उठाना है, कहाँ जाना है, क्या सीन है, तो रहिएगा मेरे साथ। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो मत करो बे यार, मतलब लाइक करो जाती ना करो, ये मेरा मतलब था। तो भाई ये सीन है आपके सामने, लोकेशन 1.4 किलोमीटर मुझसे दूर है, पिकअप और इसका ड्रॉप ऑफ दिखाऊं मैं, प्रीमियम कैश की राइड है, इन्होंने जाने आई चंडीगढ़ रोड ड्रॉप करना है गुलशन इकबाल उठा के। अब मुझे आई चंडीगढ़ रोड का एक डर लग रहा है, लास्ट टाइम चलान भी वहीं हुआ था, पुलिस वाले अगर पहचान लिया ना, क्योंकि मैंने टिकटॉक वीडियो डाली तो 1,30,000 व्यूज़ आ गए उसके ऊपर, अल्लाह खैर करे, मैंने सोचा था मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, लेकिन हमेशा इस तरह फंस जाते हैं यार, राइड को यार नहीं थी, लालच थी, मैंने बोला यार जाना तो है, फारिग तो नहीं बैठना। तो आज की दूसरी राइड आई है, पहली राइड इन ड्राइव, दूसरी राइड आई है हमारे पास करीम के ऊपर। चलें भाई, सेकंड राइड भी कंप्लीट हो गई, इसका बिल बना था 1400 कुछ, तो इसके वॉलेट में थे 300 रुपये, तो क्लाइंट ने मतलब कस्टमर का बिल मेरे पास शो हो रहा था कि भाई 1100 समथिंग लैक्स कैश कलेक्ट कर लो, उसने मुझे 1500 दिए, बोला यार ये वॉलेट में डाल दो, क्योंकि करीम में ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका 1000 रुपये का बिल बने, आप 2000 रुपये दोगे, बोलो यार बाकी ऐड कर दो, तो उसके वॉलेट में चले जाएंगे, जब वो नेक्स्ट राइड लेगा तो नेक्स्ट राइड में जो है ना उसके पैसे यूज़ होंगे। सेम सीन यही हुआ यहाँ पे भी, 1500 दिए, बाप बोल रहा यार जो भी बिल बने 1500 डाल देना आप, ठीक है 1500 ले लिए कैश कलेक्शन, अभी तक सिर्फ 1500 ये फर्स्ट राइड जो थी वो 1400 का इजी पैसा का हुआ था, वैसे टोटल जो हमारे हो चुके हैं वो आई थिंक 2900 रुपये होगा, 1400 वो 1500 ये, तो 2900, दो राइडें कम्प्लीट। सामने है बैंक अल हबीब, याद आया कुछ, उधर मेरा कुछ चलान हुआ था, ये बैंक अल हबीब भाई, देखो भाई प्रीमियम की राइड आई है, ये देखो प्रीमियम पे तुम बंदे चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैं हूँ, तो भाई प्रीमियम काम भी मर गया उस्ताद, ये मत सोचना कि बड़ी गाड़ी लेके अच्छा अर्न करेंगे, नहीं, अब हर राइड के ऊपर आपको 8-8 कैप्टन शो होंगे, भले वो नॉन एसी वाली गाड़ी हो, एसी वाली गाड़ी हो, या करोड़ा बड़ी प्रीमियम गाड़ी हो, तो हर कैटेगरी में आपको 10-10 बंदे दिखाई देंगे, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं और कस्टमर कम है, इसका मतलब काम पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, समझ रहे हो। फ्रेंड यार तीसरी राइड आ गई है, टाइम हो रहा है 3:02, अब जाकर तीसरी राइड है, लोकेशन मुझसे 700 मीटर दूर है यार, जहाँ जा रहा हूँ ना पिकअप करने के लिए, बड़ा डर लग रहा है, यहाँ टुल्ले खड़े थे ट्रैफिक पुलिस वाले, ये देखो अभी देखो गाड़ी भी आई है उठाने वाली, देख रहे हो बहुत हरकतें करते हैं लोग। खैर तो सीन ये है कि इसका 1650 का बिल बन रहा है, जिन्हें क्या कहते हैं, हमें जहाँ रोड से उठा के इनको PCHS छोड़ना है भाई। मैं यार वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बोला कितने सब्सक्राइबर है, मैंने बोला 4,500 बस। अरे भाई जब शुरू करेगा तो पता लगेगा 4,000 क्या चीज़ होती है यार। पेट्रोल नहीं है तो तुम्हें बताया पेट्रोल लगाना जरूरी है, 3,000 रुपये का डलवा रहा हूँ फिलहाल ताकि अपना काम हो जाए। अभी एक राइड मारी और देखो सीन यार, 1500 टोटल कैश कलेक्शन हुई है और 3,000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ 1500 जेब से। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी राइड कंप्लीट हो गई, 1650 का बिल था तो भाई पूरे 1650 ही मिला, लगा दे तुम लोगों ने नज़र, बोलते हो यार तुम तो हमेशा बोलते हो मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, 1600 का बिल था 1700 मिल गया, भाई नहीं मिले आज पूरे 1650 मिले। टाइम हो रहा है आपके सामने 4:15 और अब हम बैठे हैं चौथी राइड के इन, और मैं आ जा दिल ना लगे दिल बर, भाई जान राइड दे दो यार, दे दो भाई सुन रहे हो, अरे आप सही हो, अरे अरे मुस्कुराओ थोड़ा सा मुस्कुराओ ना यार। हाँ फाइनली आ गई हमारे पास चौथी राइड अल्लाह अल्लाह करके, टाइम आपके सामने 4 बजने में जो है ना सिर्फ 5 मिनट देर है अभी, और लोकेशन जो हमसे दूर है वो भी आप देख सकते हैं कि 3.6 किलोमीटर लोकेशन दूर है, लेकिन इधर एक मसला है कि आज जो मैंने राइड पकड़ी मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम जाना मुझे याद है मैंने पकड़ी ऐसी राइड, ये है मल्टी लोकेशन, ये देख रहे हो
तीन चार लोकेशन है भाई, बिल तो स्मार्ट बन रहा है, 1900 रुपये का बिल बन रहा है, लेकिन तीन चार लोकेशन है। क्लाइंट से मैंने कॉल पर बात की है तो उन्होंने बोला है कि भाई हम हार्डली कोई 5-5 मिनट मुश्किल रुकेंगे, तो लेकिन ये क्लाइंट भी पुराने देखो 465 राइड ले चुके हैं, तो इंडिया पुराने बंदे हैं, होप फॉर द बेस्ट की राइड अच्छी जाए। मैंने बोला यार स्मार्ट बिल बन रहा है ले लो, ठीक है तो चलो लोकेशन पे पहुंचता हूँ। इसका तो अलग अलग है यार, अल्लाह खैर करे, मैंने तो अभी से ही डर लग रहा है, पता नहीं किधर किधर कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। अरे यार बट डरना क्या यार, यू नो थोड़ा सोना मुंडा हूँ ना, सेक्सी मुंडा हूँ, डर लगता है यार कुछ हो ना जाए। तो पता कराची के हालात कैसे हैं, मम्मा कहती हैं बेटा बाहर नहीं निकला करो जो है ना तुम्हें नज़र लग जाएगी, तो तुम मेरे सोने मुंडे हो, शहजादे हो मेरे, इस वजह से तो अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा घट गोरा हूँ लेकिन मतलब थोड़ा घट सेक्सी हूँ ना भाई, मानो ना इज्जत, तुम दिले नहीं रख रहे, छोड़ो यार मेरी बेसी, मैं बात ही नहीं कर रहा, जाओ। मतलब माना कि थोड़े काले हो गए इन ड्राइवर पे धूप लग लग के, यार कसम से जब पैदा हुआ था घोरा था, सच बता रहा हूँ घोरा था, अभी हालात ऐसे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह राइड कंप्लीट हो गई और क्लाइंट ने दिए मुझे 5000 रुपए, 5000 रुपए क्लाइंट ने दिए, ओए बजाओ ढोल। भाई जरा खुश ना हो, पर इतना अच्छा कोई नहीं है। हमारे याकूब भाई बोलते हैं कि आजकल के दौर में कोई किसी को अपना बुखार भी ना दे, समझ रहे हो, बुखार तो सीन ये, क्लाइंट का बिल था 1900 रुपए, तो क्लाइंट ने मुझे 5000 रुपए दिए, बाकी मैंने उसको 3000 वापस किए, तो फिर मैंने उनसे लिए 2000 रुपए, यानी मेरी राइड का बिल बना है 2000 रुपए। 2000 रुपए, वाह बिल स्मार्ट है, इसी बात पे फिर से बजा डोले। भाई क्या बात है, जनवल्ला रखे उन गौन चक्के सीन, ऐसे गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने बोला ना यार जब मिलो ना मोहब्बत दिया करो, काफ़ी है। एक भाई बड़े इज्जत एहतराम से माशाल्लाह से मेरे पास है, बड़े भाई कैसे हैं, ठीक है ना जी, बड़े भाई सब्सक्राइबर में वीडियो देखता हूँ आपकी, मैंने बोला अच्छा 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 मिलवाता हूँ आपसे, ये रहे हमारे भाई, क्या बात, क्या नाम, ठीक है मजे में, कैसे हैं आप, ठीक है, क्या नाम है सर, अब्दुल फातिर नाम है, वीडियो देखते हैं मिल जाए, पक्की बात है, ऐसे ही ना हो लिया, मैंने अभी आपको देखा जा रहा था, मैंने एक गाड़ी की देखी, बाइक को की देखा हुआ, फौरन से मैंने जा रहा था, बोला गया हूं वापस आया, हाय या अल्लाह लव यू हो गया। और भाई अच्छा आप भी ड्राइवर में, माशाल्लाह ये गाड़ी आप ही खड़ी की है, अरे माशाल्लाह। अच्छा काम के बारे में थोड़ा बताना, लोगों का तजुर्बा कैसा रहा छोटी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में अच्छा है काम, सही है, एलपीजी पे फायदा है भाई, पेट्रोल पे नहीं, माशाल्लाह। ये बता एलपीजी कितनी एवरेज, सही सही बताना, 20 दे रही है माशाल्लाह से। अच्छा अभी कब से पुलिस वाले तंग करते हैं, ये बात एलपीजी तंग करते हैं एलपीजी पे, भाई ये बात जबरदस्त बोली, सुन लो जो लोग कहते हैं एलपीजी पे जो है ना तंग करते हैं पुलिस वाले, रोकते हैं जगह जगह, तो कैसे हैंडल करते हो, बस कभी देख लेते हैं सिलेंडर, कभी बच जाता हूँ कभी निकल जाता हूँ, देख लेते हैं तो फिर। अच्छा माशाल्लाह कब से निकले हो आज, ये मैं तो निकला हूँ सुबह तकरीबन 10 बजे से निकला हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे तकरीबन, तो कितने की अर्निंग टोटल, अभी अर्निंग हुई है मेरी 2500 की हुई है टोटल, टोटल आज 2500 की हुई है। अच्छा पैसों से बाकी निकालो, कमीशन भी निकालोगे, और बस करूंगा, इतनी कम क्यों सुबह 10 बजे से यार, बस वो कुरंगी में जाके फंस गया ना, राइड नहीं मिली वहाँ पे, राइड वाइड नहीं मिली, कोई भी नहीं है यार, राइड तो बहुत आती है, बहुत दूर से आ रही थी, फिर मैं नमाज वमाज पढ़ी मैंने, पहले गया डिफेंस वहाँ से फिर कुरंगी। अच्छा कुरंगी में सुबह जाए बंदा फंस जाता है, फंस जाता है भाई। ये हमारे भाई प्यारे भाई छोटी गाड़ी वाले मेहरान वाले, छोटी तो नहीं कहेंगे, इनको पता होगा इन्होंने किस मेहनत मशक्कत से गाड़ी ली है, मतलब कैटेगरी की बात करूँ जो छोटी कैटेगरी में आती है नॉन एसी में ना, तो तुम लोग देख लो, जो लोग कह रहे हैं यार मैं कौन सी गाड़ी लूँ मैं क्या करूँ, मैं करोड़ों वाला खड़ा हूँ, मेरी वीडियो तुम देखते हो, उन्होंने धोने समझे हो, ये भाई मेहरान वाले भाई खड़े हैं हमारे सामने, कह रहे हैं मैंने CNG लगाई हुई है LPG 20 की एवरेज दे रही है, बाकी सभी आपने सुना इनकी बातों पे, अब देख लो सोच समझ के आना, आना भी है नहीं आना मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों अभी इस तरह भाई को प्यार सपोर्ट करते रहो इंशाल्लाह, जहाँ देखो कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मिलकर सलाम करोगे ना वल्ले दिल बड़ा हो जाता है वल्ले, कसम है बस कसम है। तो मुझे ये बताओ ठीक है, इन ड्राइवर की सबसे बुरी हरकत आपको क्या लगती है, ताकि मेरे देखने वाले उनको पता लग सके इन ड्राइवर में क्या क्या मतलब खराबियाँ हैं। वैसे तो सही है लेकिन बस एक ये मसला है कि जब राइड उठा लो कॉल पे बात करो बोल पे ठीक है आ जाओ, जैसे ही घर के बाहर जाओ लोकेशन पे कैंसिल कर देते हैं,
फिर बड़ा बंदा थक जाता है, थक जाता, दिल दुखता है ना, दिल दुख जाता है बंदे का। अपने ही पैसे कट जाते हैं, फिर अपने ही पैसे के इंतजार करो तीन दिन के लिए, है ना। अच्छी बात है ये बात। और कुछ कुछ ऐसा एक ये मसला होता है, और कोई कभी कभी हो जाता है कि लोकेशन गलत डाली हो अगर, हाँ वहाँ चले जाओ तो वो हमें बोलते हैं यहाँ नहीं तो यहाँ ना, फिर करते करते वो भी बंदा घूमता रहता है एंड में राइड कैंसिल कर देता है, वो भी हमारे ऊपर लगता है, हमारे ऊपर आता है, ये नहीं हो तो फिर सही है। फिर देखा भाई वो ही सेम चीज भाई बोले, जो मैं बोलता हूँ कि इन ड्राइवर का सबसे घटिया पॉलिसी में ये आता है कि राइड कस्टमर कैंसिल कर रहे हैं या फिर हम ड्राइवर कैंसिल कर रहे हैं, दोनों सूत्रों में फाइन ड्राइवर को लगता है, क्यों लगता है? और बोलेंगे भाई 3 से 5 दिन में रिफंड हो जाएगा, क्यों रिफंड होगा, हमारे पैसे रिफंड क्यों होंगे भाई? तो ये तो गुंडा कर दी ना अभी, भाई क्या कह रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है लोकेशन गलत हो गई, हम वहाँ पहुँचते हैं खड़े होते हैं यूँ किया, आखिरी हल ये कि राइड कैंसिल करो, राइड कैंसिल करेंगे फाइन हम पे लगेगा, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो चल के गए हैं, जो वेट किया है दिमाग है वो अलग है, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी शुक्र है मालिक का, कर रहे हैं भाई, मजबूरी का नाम शुक्रिया। बस फाइनली राइड आ ही गई और टाइम हो रहा है आपके सामने 5:40 ऑलमोस्ट, और राइड लोकेशन मुझसे दूर है 350 meters। सीन क्या मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सीन, 4K चरंगी इनको जाना है यहाँ से उठा के सोसाइटी से, 1100 रुपये का बिल है। अराइव शराइव का बटन दबा दिया मैंने, अब आपको दिखाता हूँ ड्रॉप पॉइंट कितना दूर है, बिल देख लीजिएगा 1100 रुपये का बिल है, ठीक है, 4K चुरंगी डाला हुआ इन्होंने तो, ओके ये लोकेशन डाली, अब देखते हैं कितना है भाई, 14 किलोमीटर दूर इनका ड्रॉप पॉइंट है, 14 किलोमीटर। चलो भाई ये थी आज की टोटल अर्निंग, आज मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या सीन है, ठीक है, देख लो 22 नवंबर, और आज जो मैंने इन ड्राइवर से कमाए वो कितने कमाए, 6050 रुपये इन ड्राइवर से कमाए मैंने। कितनी राइड्स मारी हैं, 1, 2, 3, ये कैंसिल हुई हैं, ये 4, टोटल मैंने इन ड्राइवर के ऊपर 4 राइड्स मारी हैं, 4 राइडों से मैंने कमाए 6000 रुपये। और एक राइड आपको याद होगा मैंने करीम की मारी थी, सेकंड राइड जो आई थी उसका बिल बना था 1500 रुपये, यानी 6000 और 1500 कितने हो गए, 7500, तकरीबन मैंने 7600 का काम किया है आज।